हाय फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। मेरा नाम विभुदत्त साहू है, तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ जियो फोन का रिव्यू डिटेल्स पे। तो ये फोन जो है अभी ऑफर में चल रहा है, जैसे कि 501 रुपये में आप ये फोन ले सकते हैं, उसमें भी कुछ टर्म एंड कंडीशन है। तो उसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो बनाया था जो कि उसका अनबॉक्सिंग वीडियो था और ये ऑफर के बारे में मैं डिटेल्स में बताया था। अगर वो वीडियो आप मिस कर दिए तो स्क्रीन में एक आई बटन आ रहा है, वहाँ पे क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, चाहो तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये वीडियो में हम पहले ये फ़ोन का डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद अगर ये फ़ोन आप 501 रुपये में ऑफर में लेते हैं तो ये आपके लिए वैल्यू फॉर मनी रहेगा कि नहीं। तो नेक्स्ट बात करेंगे कि ये फ़ोन में अभी क्या क्या एप्लीकेशन मिलता है और कितना यूजफुल एप्लीकेशन है आपका डेली लाइफ के लिए, और लास्ट में हम ये फ़ोन का प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उसका रिव्यू डिटेल्स में। तो ये है हमारा जियो फोन, जैसे कि मैं उसका अनबॉक्सिंग पहले दिखा चुका हूँ। सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल, बाजू में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जो भी नया वीडियो आएगा आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे ये फोन को मैं लॉक रखा हूँ, तो लॉक और अनलॉक करने के लिए यहाँ पे बटन दिया गया है, इसको अगर आप प्रेस करके कुछ टाइम रखते हैं तो यहाँ पे आपको पासवर्ड आ जाएगा। ये ओपन होने के बाद एक ऐड आता है यहाँ पे, जो कि जियो का ऐड है, उसको आपको क्लोज करना पड़ेगा। ये मैक्सिमम टाइम ये ऐड आ जाता है। तो पहले हम ये फोन का बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये छोटा सा स्क्रीन है उसमें, और ये बेसिक फ़ोन टाइप का है जो कि उसका न्यूमेरिक कीपैड के साथ है। तो ये फ़ोन का जो बिल्ड क्वालिटी है, ये फ़ोन का प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। अगर ये फ़ोन ड्रॉप भी हो जाता है आपका हाथ से तो भी ये फ़ोन ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, या उसका डिस्प्ले वगैरह टूटने का चांसेस बहुत ही कम है। तो यहाँ पे ये फ़ोन में स्ट्रैप लगाने के लिए प्रोविज़न दिया गया है, तो आप एक स्ट्रैप लगाते हैं तो फ़ोन अच्छा तरीके से आप कैरी कर पाएंगे। और यहाँ पे उसका स्पीकर का बैंड दिया गया है जो कि अच्छा वेल पोजीशन में है, जैसे कि अगर आप इसको पॉकेट में भी रखते हैं तो भी आपको आवाज़ वगैरह आराम से सुनाई देता है। तो पहले हम ये फ़ोन का सेटिंग में जाते हैं। तो यहाँ पे सेटिंग में आपको काफ़ी कुछ मिलता है देखने के लिए, जो कि एक बेसिक फ़ोन से काफ़ी डिफरेंस है। तो पहले हम यहाँ पे डिवाइस इंफॉर्मेशन में जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ़ोन का मॉडल नंबर जो है वो F81E है, और यहाँ पे iOS 2.5 है। तो अभी हम स्टार्टिंग से इसका सेटिंग देखते हैं। तो आपको पहले यहाँ पे एयरप्लेन मोड मिल जाता है, तो इसको आप ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पे नेटवर्क डेटा सेटिंग है जो कि जियो का पर्टिकुलर जियो का ही नेटवर्क है, और यहाँ पे आप वाईफाई में इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं ऑलरेडी वाईफाई में इसको कनेक्ट किया हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं वाईफाई का सिंबल दिखा रहा है, और यहाँ पे ब्लूटूथ दिया गया है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, जैसे कि इसका जो ब्लूटूथ है, अगर आप हेडफोन लगाते हैं ब्लूटूथ का, तो ओनली आप इसमें कॉल कर सकते हैं। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन का मीडिया का साउंड अगर सुनना चाहते हैं तो ब्लूटूथ में आप सुन नहीं पाएंगे, ओनली ये कॉलिंग पर्पज़ के लिए इसका ब्लूटूथ है। और नेक्स्ट यहाँ पे NFC है, जैसे कि यहाँ पे NFC का चिप दिया गया है, तो आप NFC इसमें यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे लोकेशन भी दिया गया है, जैसे मैप वगैरह है तो यहाँ पे GPS को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पे कॉल सेटिंग वगैरह दिया गया है, और लास्ट यहाँ पे एक इमरजेंसी अलर्ट दिया गया है। अगर राइट साइड हम इसको मूव करते हैं तो यहाँ पे साउंड का सेटिंग आता है, और नेक्स्ट डिस्प्ले है जो कि आप वॉलपेपर वगैरह यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक सर्च ऑप्शन दिया गया है जो कि सर्च इंजन के हिसाब से ये सर्च करता है, जैसे यहाँ पे कोई भी सर्च इंजन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो उस हिसाब से फ़ोन सर्च करेगा। तो नेक्स्ट एक सेटिंग है जो कि अलर्ट है, और राइट साइड मूव करते हैं तो यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी है, तो यहाँ पे लॉक स्क्रीन आप कर सकते हैं, कोई भी पासवर्ड दे सकते हैं लॉक स्क्रीन में। यहाँ पे सिम का सिक्योरिटी है, यहाँ पे एप्लीकेशन का परमिशन है, तो यहाँ पे डू नॉट ट्रैक, तो यहाँ पे कोई भी वेबसाइट वगैरह भी आपको यहाँ पे ट्रैक नहीं कर सकता, इसीलिए काफ़ी कुछ यहाँ पे सेटिंग दिया गया है। तो यहाँ पे ब्राउजिंग का प्राइवेसी भी है। अगर राइट साइड मूव करते हैं तो यहाँ पे उसका स्टोरेज शो करता है, जैसे कि ये फ़ोन का इनबिल्ट स्टोरेज जो है वो 4GB का है, और यहाँ पे कितना यूज़ हुआ है वो भी आपको यहाँ पे शो करता है। तो यहाँ पे उसका सॉफ्टवेयर रिलेटेड है, जैसे कि यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर सकते हैं, डिवाइस इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं, बैटरी परसेंटेज, और फ़ोन को रीसेट भी कर सकते हैं। तो ये हो गया ये डिवाइस का सेटिंग। तो अभी मैं बताता हूँ ये डिवाइस में 2019 में क्या क्या एप्लीकेशन है जो कि ये फ़ोन का अट्रैक्शन है। तो हम यहाँ पे जियो स्टोर में जाते हैं, जैसे कि ये iOS जो है, इसका जो भी एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है ये जियो स्टोर के अंदर ही आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जियो स्टोर अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे 2019 में काफ़ी कुछ एप्लीकेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बुक माई शो भी आपको मिलता है यहाँ पे सोनी LIV भी है जो कि सोनी का एप्लीकेशन है, यहाँ पे
जियो रिलेटेड सभी एप्लीकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पीडीएफ व्यूअर भी है यहाँ पे, जियो सिनेमा है, और यहाँ पे एनएम ऐप है, और यहाँ पे वीओटी का एप्लीकेशन है, यूट्यूब है, फेसबुक भी आ गया है इसमें, और ये जियो टीवी वगैरह है, और मैप भी ऐड हो गया है इसमें, और यहाँ पे हॉटस्टार भी है, और यहाँ पे न्यूज़ 18 का ऐप भी है। तो यहाँ पे गूगल असिस्टेंट आ गया है, जो कि फ़ोन में कोई भी सर्च करने के लिए आपको इजी हो जाएगा, और यहाँ पे व्हाट्सएप भी इसमें ऐड हो गया है। तो यहाँ पे जैसे कोई कोई एप्लीकेशन में इंस्टॉल लिखा रहा है, कुछ में अपडेट लिख रहा है, तो अपडेट मीन्स ये एप्लीकेशन का नया अपडेट आया है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको अपडेट कर सकते हैं। जैसे हम एंड्रॉइड फ़ोन में मासली अपडेट करते हैं, तो इसमें ये फैसिलिटी नहीं है, तो यहाँ पे आपको मैनुअली जाके इसको अपडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे ये एप्लीकेशन में अभी व्हाट्सएप ऐड हो गया है, और काफ़ी कुछ एप्लीकेशन ऐड हो गया है, तो ये डिवाइस जो है वो काफ़ी एडवांस हो चुका है। तो ये व्हाट्सएप एप्लीकेशन में आप चैटिंग भी कर सकते हैं, कॉल वगैरह भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, और बाकी देखा जाए तो यहाँ पे गूगल असिस्टेंट भी आपको मिल गया है। तो यहाँ पे गूगल असिस्टेंट से आप कोई भी सर्च कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे प्रेस करके रखेंगे तो गूगल असिस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर से प्रेस करेंगे, व्हाट इज टुडे डेट एंड टाइम, तो यहाँ पे आप सुन सकते हैं गूगल असिस्टेंट में, यहाँ पे आपको वॉइस भी मिल जाता है जो भी आप सर्च करते हैं। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन आप देखते हैं, यहाँ पे एक एफएम रेडियो है। तो जैसे बेसिक फोन में आपका एफएम रेडियो के लिए आपको ईयरफोन लगाना पड़ता है, मगर ये वायरलेस एफएम रेडियो है, तो यहाँ पे जो भी आपका लोकल चैनल वगैरह आता है, आप आराम से इसमें सुन सकते हैं। और यहाँ पे म्यूजिक एंड वीडियो का एप्लीकेशन भी है, जैसे कि इसके अंदर एक एसडी कार्ड है, अगर आप पीसी में इसको डेटा केबल में लगाते हैं तो आपको वो मेमोरी कार्ड का एक्सेस आ जाएगा, और वहाँ पे आप कोई भी MP3 फाइल या वीडियो फाइल लगते हैं तो भी इसको आप इसमें वॉच कर सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे फेसबुक एप्लीकेशन मिल गया है, तो फेसबुक भी आप यहाँ पे लॉगिन करके ब्राउज कर सकते हैं, और यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन अगर आप ब्राउज करते हैं तो आपको ऐसे एक माउस मिलता है, और ये माउस कंट्रोल होता है ये चार नेविगेशन बटन से। तो ये फ़ोन का रैम एंड प्रोसेसर के हिसाब से ये काफ़ी स्लो है, तो आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। और नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि हमारा इंडियन टेलीविज़न का जितना एप्लीकेशन वगैरह है वो भी कुछ यहाँ पे आ गया है, जैसे यहाँ पे हॉटस्टार हुआ या सोनी LIV हुआ, तो ये एप्लीकेशन वगैरह भी आप आराम से वॉच कर सकते हैं। जैसे हम एंड्रॉइड फ़ोन वगैरह में ये एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे भी सेम टू सेम आता है, मगर यहाँ पे स्क्रीन छोटा है। जैसे कोई भी कंटेंट अगर आपको वॉच करना है तो आप इसके ऊपर आइए, और वहाँ पे अगर इसको प्ले कर देते हैं तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिखाता है कि इसको कैसे रिव्यू फॉरवर्ड करना है, क्या करना है, कौन सा बटन प्रेस करना है। तो यहाँ पे उसका वॉल्यूम भी काफ़ी लाउड है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे मैप एप्लीकेशन का, जैसे YouTube भी सेम आप इसमें ब्राउज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको सोनी LIV भी दिखाया, सेम आप YouTube भी यहाँ पे ब्राउज कर सकते हैं। यहाँ पे YouTube के अंदर आपको एक कर्सर मिल जाता है, जिसके थ्रू में आप कोई भी वीडियो के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो इतना छोटा सा फ़ोन में भी आपको मैप मिल जाता है, और यहाँ पे मैप में आप कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं या कोई भी डायरेक्शन सर्च कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको जैसे एंड्रॉइड फ़ोन में गूगल मैप शो करता है, सेम टू सेम यहाँ पे शो कर देता है। तो यहाँ पे जियो का वीडियो कॉलिंग भी आपको मिल जाता है, जैसे ये एक डेडिकेटेड बटन दिया गया है वीडियो कॉलिंग के लिए, अगर आप इसको प्रेस करके रखते हैं तो यहाँ पे जियो का जो वीडियो कॉलिंग ऐप है उसके थ्रू में आप यहाँ पे वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रंट कैमरा एंड बैक कैमरा दोनों दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, ये कुछ जियो एप्लीकेशन है जो कि कभी भी ऑन करते हैं तो पहले आपको जियो का नेटवर्क ही मांगता है, उसके बाद ही आप वो एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पे इसको ओपन किया, तो ये एप्लीकेशन को चलाने के लिए आपको जियो का नेटवर्क ही चाहिए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है अगर आप वाईफाई लगाए हैं तो यहाँ पे देखिए मैसेज आ जाता है, स्विच ऑफ द वाईफाई एंड लॉग इन ऑन जियो नेटवर्क। तो यहाँ पे अगर हम वाईफाई को ऑफ कर देते हैं और ये एप्लीकेशन चलाते हैं, उसके बाद अगर वाईफाई को आप ऑन कर देते हैं तो भी ये काम कर जाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे एयरप्लेन मोड ऑन कर दिया, तो एयरप्लेन मोड ऑन कर दिया मीन्स ये जियो का नेटवर्क जो है वो चला गया। उसके बाद भी अगर आप यहाँ पे आपका घर का वाईफाई को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं या जहाँ पे भी वाईफाई आपको मिल गया तो कनेक्ट करते हैं, तो भी ये एप्लीकेशन वगैरह को आप एक्सेस कर सकते हैं।
जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जियो टीवी भी आपका वाईफाई में आराम से देख सकते हैं। तो ऐसे जरूरत नहीं है कि आपका जियो का नेटवर्क ही चले, तो यहाँ पे आप कोई भी चैनल को अगर क्लिक करते हैं तो भी आप वाईफाई में इसको वॉच कर सकते हैं। और ये फोन एक छोटा सा स्क्रीन के साथ आता है, इसीलिए इसका बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा है। और ये फोन आराम से 2-3 दिन तक अगर आप मॉडरेट यूज करते हैं तो 2-3 दिन तक आराम से चला जाता है, और 2-3 घंटा में फुल चार्ज वगैरह भी हो जाता है इसमें। तो यहाँ पे और एक एप्लीकेशन के अंडर भी एक अट्रैक्शन है उसका, जैसे कि यहाँ पे अगर आप कॉन्टैक्ट में जाते हैं तो यहाँ पे सिम के अंदर जितना भी कॉन्टैक्ट है ये आपको यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे और एक ऑप्शन है जो कि आपका गूगल का जो अकाउंट है इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंपोर्ट कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पे देखिए मेल वगैरह भी शो कर रहा है, मीन्स आप जीमेल में अगर लॉगिन कर देते हैं तो आपका जीमेल का जितना भी कॉन्टैक्ट है वो ये फ़ोन में आराम से आ जाता है। और यहाँ से आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं इसको, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन वगैरह है, आप कॉन्टैक्ट को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और नॉर्मली मैं आपको यहाँ पे कैमरा दिखा देता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैमरा ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, फिर भी आपका काम जो है वो चल जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा भी दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट कैमरा में जो मेरा DSLR है वो भी यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसका कैमरा हम ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, फिर भी ये फ़ोन के हिसाब से उसका कैमरा जो है बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे बाकी जितना फ़ोन वगैरह में आपको जो जो कंटेंट मिलता है, जैसे गैलरी हुआ, यहाँ पे कैलेंडर वगैरह, कैलकुलेटर, क्लॉक वगैरह, नॉर्मल सभी चीज़ ये फ़ोन में है। बस इसका स्क्रीन छोटा है, इसीलिए जो भी कंटेंट यहाँ पे है या जो भी एप्लीकेशन वगैरह है तो ज़्यादा देर तक आप इसको देख नहीं सकते। अगर आपको सुनना है कोई भी, जैसे YouTube में कोई वीडियो प्ले कर रहे हैं या कोई भी गाना प्ले कर रहे हैं आपको सुनना है तो उसके लिए अच्छा है। अगर ये वीडियो को आप ज़्यादा टाइम देखेंगे तो मे भी आपका आँख वगैरह में दर्द हो सकता है या आपका आँख में प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा स्क्रीन है इसीलिए ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये फ़ोन का काफ़ी डिटेल्स आपको अभी पता चल गया होगा। तो अभी हम बात करते हैं ये फ़ोन अगर आप लेते हैं तो आपके लिए कैसे रहेगा। जैसे कि ये फ़ोन अगर आप ऑफर में लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा डील रहेगा, क्योंकि ये रेंज में आपको एक बेसिक फ़ोन मिलता है जिसमें के कुछ भी फीचर्स नहीं है। नॉर्मल कॉल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। मगर ये फ़ोन एक बेसिक फ़ोन भी नहीं है, इसमें काफ़ी कुछ एडवांस जो स्मार्टफोन फीचर्स है तो उसका मज़ा भी आप ले सकते हैं। अगर आप 6 महीने के बाद भी रिचार्ज नहीं करते हैं तो भी वाईफाई में कनेक्ट करके आप जियो टीवी देख सकते हैं, जियो सिनेमा देख सकते हैं, यूट्यूब वगैरह भी आराम से देख सकते हैं। तो अभी हम इसका प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि ये फ़ोन का जो प्राइस है उसमें इसका कॉन्स है ही नहीं या कॉन्स काफ़ी कम है, तो ये प्राइस रेंज में हम एक फ़ोन से बहुत ज़्यादा भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये फ़ोन में जो प्राइस के हिसाब से ये फ़ोन में काफ़ी कुछ आपको मिल जाता है। जैसे कि मैं आपको बताया 6 महीना अगर ये फ़ोन का आप यूज़ करते हैं उसके बाद भी रिचार्ज नहीं करते हैं तो भी ये फ़ोन को आप वाईफाई में कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें काफ़ी मज़ा ले सकते हैं। तो ये फ़ोन का जो एप्लीकेशन वगैरह है वो आराम से आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे FM रेडियो भी है इसमें जिसमें के ईयरफोन लगाना नहीं पड़ता है, तो आप आराम से इसका FM रेडियो भी मज़ा ले सकते हैं या YouTube में कोई भी गाना वगैरह प्ले करके भी ये फ़ोन में देख सकते हैं या सुन सकते हैं। तो ये फ़ोन का एक कॉन्स लगा, अगर इसमें वाईफाई हॉटस्पॉट अगर आपको मिल जाता तो काफ़ी अच्छा रहता। जैसे कि ये डिवाइस को आप एक राउटर टाइप का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारा Jio 5 वगैरह रहता है सेम उस टाइप आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मगर वो फीचर्स इसमें मिसिंग है। और ये प्राइस रेंज में हम ज़्यादा भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ये फ़ोन से। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये फ़ोन एक वैल्यू फॉर मनी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल जल्दी ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप का वीडियो मैं रोज लेकर आता हूँ। तब तक मेरा चैनल देखते रहिए। साउ टेक्नो गाइड, आपका दिन शुभ हो।